नमस्कार, मैं अविनाश कुमार, आपका दोस्त और होस्ट यानी के टेक्निक गुरु, आज आपके लिए लेकर आया है कि कौन सा टीवी हमें लेना चाहिए और कौन सा नहीं, कौन सा आपके बजट में फिट बैठेगा और कौन सा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी आपके काम आ सकती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करता हूँ सैमसंग के साथ। सैमसंग, सोनी, एलजी, ये कुछ लीडिंग कंपनीज हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शंस मिलते हैं दो कंपनीज में, यानी कि सोनी और सैमसंग। सैमसंग और सोनी में अगर कंपैरिजन करें तो सैमसंग में आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो आपको शायद सोनी में अवेलेबल ना हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि आप इसी के अंदर PPT, Excel, Word फाइल्स सभी आप बना सकते हैं, यानी कि आपको किसी भी अदर लैपटॉप या डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इसको एक्सेस कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सोर्स पर। सोर्स पर जाने के बाद रिमोट एक्सेस का ऑप्शन आता है और यहीं से ही आप ऑपरेट कर सकते हैं Office 365, अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयरिंग, साथ ही साथ आप रिमोट PC अपने ऑफिस में रखे हुए लैपटॉप को आप अपने TV स्क्रीन पर घर पर ही देख सकते हैं और उसकी सभी फाइल्स जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट Bixby 2.0 सहायता करता है आपको वॉइस असिस्ट में। ये दो तरीके से आपको सहायता करेगा। पहला, आप वॉइस कमांड से आप ऑनलाइन सर्च तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आपको ऑफलाइन सेटिंग्स में भी सहायता करेगा, जैसे कि आप टीवी की सेटिंग्स, पिक्चर मोड, साउंड मोड, ये सभी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है म्यूज़िक सिस्टम। सभी को ये रहता है कि म्यूज़िक सिस्टम बड़ा पुराना सा, नॉर्मल सा, ऑडियो प्ले करने में कुछ डिफरेंट लुक आना चाहिए, तो आप यहाँ पर देखिए कितना एलिगेंट लुक आता है। इवन अगर आप इसमें कोई म्यूज़िक प्ले करेंगे तो और भी अच्छा दिखाई देगा, जैसे कि मैं आपको लाइव चलाकर दिखाता हूँ। बस आपको इसमें अपनी पेन ड्राइव प्लग इन करनी है, यहाँ पर पेन ड्राइव मेंशन कर देगा एंड जस्ट प्ले कीजिए, देखिए कितना अमेजिंग व्यू आता है। साथ ही साथ म्यूजिक मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको म्यूजिक मोड्स डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, जिसमें से आप अपना ऑप्टिमाइज, एम्पलीफाई एंड स्टैंडर्ड, ये सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये आपको स्मार्ट हब के साथ मिलता है जो कंटेंट गाइड में सपोर्ट करता है। अब तक आपने देखा होगा कि अभी मार्केट में मल्टी टाइप ऑफ कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब, हॉटस्टार, Zee5, सोनी लिव, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उसमें हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कंटेंट या कौन सी मूवी किस कंटेंट प्रोवाइडर के पास है, तो उस केस में सबसे ज़्यादा सहायता करता है आपको ये ऑप्शन, इट कॉल्स कंटेंट गाइड। कंटेंट गाइड बेस्ट सपोर्ट करता है आपको 5 कंटेंट, साथ ही साथ 7 कंटेंट प्रोवाइडर्स, अभी 2 कंटेंट प्रोवाइडर्स और ऐड हो गए, तो इसमें सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Zee5, अमेजॉन प्राइम एंड गुड, ये 6 के 6 आपको कंटेंट प्रोवाइडर्स आपको अवेलेबल मिलते हैं। इसके साथ साथ आप कोई भी कंटेंट इसके अंदर अगर सर्च करते हैं तो आपको अलग से एक एक एप्लीकेशन को ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं है, सभी एप्लीकेशन इसी के अंदर मिलेंगे, जस्ट आपने कंटेंट सर्च करना है और चलाना है, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है लाइव कास्ट। लाइव कास्ट कैसे सहायता करता है, आप कहीं आउटडोर गए, आपकी कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं जा पाए किसी भी कार्यवश आपके साथ, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ का लाइव व्यू आप अपने घर पर दे सकते हैं। लाइव न्यूज़ जैसे हम देखते हैं या लाइव क्रिकेट देखते हैं उसी के जैसा ही। तो वो कैसे होगा, आपके पास सैमसंग का फ़ोन होना चाहिए, उसमें स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन की सहायता से आप लाइव कास्ट कर सकते हैं अपने घर पर, साथ ही साथ वो मोमेंट्स रिकॉर्ड भी होंगे जो भविष्य में या फ्यूचर में आप जब भी आप देखना चाहें, यस आप उस मोमेंट्स को अगेन देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर पॉइंट की बात करें तो टू वे शेयरिंग दो तरीके से आपको सहायता करता है। एक तो टू वे ऑडियो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन्स के गाने अपने TV स्क्रीन पर सुन सकते हैं, साथ ही साथ अपने TV स्क्रीन की साउंड
आप अगर चाहते हैं कि होम थिएटर में लेना चाहें या फिर आप अपने ब्लूटूथ हेडसेट में लेना चाहें, यस आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्क्रीन मिररिंग, पीसी मिररिंग का ऑप्शन दोनों में ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें आता है होम क्लाउड। आज के टाइम पे सभी के पास मल्टीमीडिया फ़ोन्स है, बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, तो बहुत ही प्रीमियम कैमराज आ गए हैं, तो मेमोरी भरने की वजह से हम नई वीडियोस, नई फ़ोटोज़ नहीं बना पाते हैं, तो उस केसेस में ये ऑप्शन सहायता करेगा आपको होम क्लाउड का। आप जैसे ही टीवी की 10 मीटर्स की रेंज में आएंगे, ये टीवी अपने 10 मीटर्स की रेंज में जैसे ही फ़ोन आता है, आपको ऑटोमेटिकली आपके मल्टीमीडिया कंटेंट्स जैसे कि आपका फ़ोटोज़ हो गई, वीडियोज़ हो गई, यस आपका ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेगा। और जो भी आप इसमें डिवाइस अटैच करेंगे, भले ही वो हार्ड डिस्क हो या फिर पेन ड्राइव हो, उसमें इजीली आप सेव कर सकते हो उन सभी चीज़ों को, साथ ही साथ उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। तो ये टीवी मेरा सजेशन रहेगा, ये बेस्ट है आपको। तो यस,